सो गाइस 9 बज चुके हैं और मैं लुक डाउन जस्ट एक पूरा व्यू बालकनी का बाहर का। मेरे जो बाकी रूममेट्स हैं सब ऑफिस के लिए अब निकल चुके हैं और मैं जस्ट अभी उठा ही हूँ कि मेरा ऑफिस 11 बजे से होता है और ये हमारा एक रिजॉर्ट वाला रूम है। ये इसमें खिड़की लगी है पूरी पूरी बड़ी अच्छी खासी बड़ी है और ये एंड देट वो सामने बेड है मेरा, उसके सामने जो खिड़की है उन्हें अभी आपको दिखाई दी वो वाली है। मैं उठाई हूँ क्योंकि अनु भैया अभी नहा रहे हैं तो अनु भैया के नहाने के बाद मैं जाऊँगा अब। सो लेट्स सी, मतलब देर नहीं हुई है, मेरे नॉर्मल सा है क्योंकि मैं इस जनरली इस टाइम ही उठता हूँ और इस टाइम पे ही वर्क करते हैं सारा। बालों की हालत देख पा रहे हो, बाल पूरे बंधे हुए हैं। सो अभी मैं ऊपर अपने टेरेस पे आया हूँ क्योंकि मैंने कल क्लोथ्स वॉश किए थे तो देखने हैं कि वो सूखे या नहीं सूखे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, वेस्ट बॉग है नहीं है पता नहीं, पर ये मॉल वाली बिल्डिंग है सामने इसकी विजिबिलिटी आती हो रखी है। देखते हैं मेरे वाले कपड़े तो सूखे या नहीं सूखे यार, ये कल धोए थे मैंने। ये भी अभी तक ऐसे ही पड़े हैं भाई, पानी तो अब निकल गया क्योंकि ड्रायर किए थे, बट वही है कि अभी सूखने के लिए मुझे इनको पूरा दिन यहाँ छोड़ना पड़ेगा और मैं इवनिंग में ऑफिस के बाद तो जाके इनको उतारूँगा मैं। हैव अ लुक ऑफ द वैसेनिटी अराउंड मी, बढ़िया बढ़िया चीज़ें यहाँ पे, बहुत सारे हॉस्टल बने हुए हैं। सामने वो मॉल मॉल खड़ा हुआ है, वेव मॉल नोएडा का। सो चलो गाइस, तो अब नहाने के लिए निकलता हूँ कि अनु भैया आ चुके हैं, कपड़े सूखे नहीं हैं तो कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। अब रेस्ट, अब रेडी होता हूँ, उसके बाद अगला देखते हैं। सो गाइस अब मैं ऑफिस के लिए भी तैयार हो चुका हूँ और ठंड है, थोड़ी ठंड लग रही थी इसलिए मैं धूप बैठा हुआ था यहाँ पे क्योंकि ठंड मुझे सच में फील हो रही थी। रेस्ट, मैं अब रेडी हो चुका हूँ अपने टायर में, नॉर्मल कैजुअल टायर रहता है ऑफिस के लिए, कोई वैसे ऐसे वैसे वो नहीं है कि बहुत हाई फाई रहेगा, बाल बड़े होने इसलिए मैंने हेयर बैंड लगा दिया है। एंड यस, मैं अब तक धूप में यहाँ बैठा हुआ था क्योंकि मुझे थोड़ी ठंड से अंदर फील हो रही थी, ये हेल्थ दो दिन से हेल्थ ख़राब हो रखी है, हल्की फुल्की सी। तो रेडी हो चुका हूँ तो देखता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या, अगर ब्रेकफास्ट का टाइम बचा हो तो क्योंकि इट्स 9:45 और मुझे 10 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो मैं शूज़ वगैरह पहनता हूँ क्योंकि मैंने तब तक क्योंकि अभी तक शूज़ पहने नहीं हैं, तो अभी शूज़ पहनता हूँ और बाकी चलते हैं ऑफिस निकलते हैं दिखा। सो गाइस, मैं फाइनली अपने कैंपस में पहुँच चुका हूँ और आज बहुत डिले हो गया क्योंकि ऑफिस का टाइम 10:30 का है, पर क्या बोलते हैं 10:45 तक एक्सटेंशन होता है एंड इट्स 10:42 और मुझे अगले 3 मिनट में पंच इन करना पड़ेगा ताकि ऑफिस के जो टाइम है उसमें अंदर हो सकूँ और हाफ डे ना पड़े। जस्ट मैं भी अपने कैंपस में ही हूँ और ये पूरा ATS का सेक्टर 132 में पूरा बकेट बना हुआ है एक विद हाई राइज बिल्डिंग्स। खैर, ऑफिस में आने के लिए एक लिफ्ट बनी हुई है, मैंने अब 7th फ्लोर का वो प्रेस कर दिया है एंड चल रहे हैं अपने 7th फ्लोर के लिए। सिक्स सेवन एंड फाइनली वी आर ओवर हियर एंड आवर ऑफिस खुलेगा एट एंड ओवर हियर। सब चलते हैं अंदर, पढ़ लिया करो यार। तो अभी आज ऑफिस के चल रहा है, वो शिव ज्योति नहीं है, वो शिव ज्योति नगर है, वहाँ तक कोई काम नहीं है, उसके बाद भी काम करने की ट्राई कर रहे हैं। बोर्ड पे नहीं मिला क्या बाहर जो सब की जब बैठे बच्चों से काट रहे हैं आप? क्या गाँव नंबर प्लेट लिखे हुए ना उसके गेट के सामने स्क्रीन खुला हुआ है,
उन्होंने मुंह पे कुछ रख अमित अमित अच्छा एसी होना तो इसको ठंड लग रही है। तो ये देखो एक और महानुभाव मारा वीडियो चल रहा है और ये दो और चल रहे हैं यहाँ पे। इन दोनों का काम ये चल रहा है यहाँ पे कि थीम को चेंज कैसे किया जाए। इसको शक है अभी। फाइनली इनकी फाइल खुली है, चेक कर रहे हैं। नाटे वाला ये आदमी ना सुबह से कुछ नहीं कर रहा, बैठे यहाँ काम कर रहा हूँ, डेस्कटॉप एलिवेशन करता हूँ। अबे चल, एक पन्ने की फाइल नहीं है, वो कुछ बना रहा बैठ गया है। और ये भाई साहब तो पता नहीं हाथों की रेखाएं खोल रहे हैं अपनी, यहाँ बैठ गए हाथों में क्या रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता हमें भाई, यहाँ कुछ नहीं मिलता। शाम के 7 बज रहे शायद, हाँ शाम के 7 बजने वाले हैं। और ये लोग इस टाइम बैठे सारे के सारे मूवी शेयर कर रहे हैं, पता नहीं कितनी को भेज रहा है ये बंदा खड़ा है यहाँ पे। ओम भाई मूवी देख रहे, मूवी लोगे तो बैठ गए शेयर पे, मतलब वाईफाई का पूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं बैठ गए। और इनको इनकी अलग ही पॉलिटी चल रही है, मतलब ये उन प्राणियों से आते हैं जो हॉल का पैसा बचा के रहा है, हॉल का मूवी फोन में करेंगे अपने। नमस्कार भाई, नमस्कार। तुम भी क्या, तुम भी करोगे क्या चीज़ हॉल डब क्या, हॉल के पैसे बचा के मूवी फोन देखोगे अपने? नहीं, मैं हॉल में जाऊंगा। इसके बाद अभी तो सैलरी आएगी तो प्लॉट की तो खरीदना है। ओए होए बढ़िया, प्लॉट बहुत जरूरी है नोएडा में, बहुत रेट भागने वाला है, रजिस्ट्री खुलेगा रेट भागेगा, मतलब प्रॉपर्टी लेनी है तो ये बैठा हुआ है बंदा, बस बोल देगा कुछ भी हो जाएगा। और भाई तो मैंने भी ले ली है मूवी अभी, बट मैं शायद हॉल में जा सकूँगा फिर भी। तो वैसे मैं ऑफिस से आ चुका हूँ, और अब मैं ऑफिस से आने के बाद क्या बोलते हैं, अब मैं जाऊँगा जिम, क्योंकि पूरे डे का जो वर्कआउट है ना वो मेरा इवनिंग में होता है। लेकिन अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा वो लेके एफर्ट, और क्या बोलते हैं कि मॉर्निंग में उठना बहुत भारी पड़ता है मेरे लिए, तो इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अब एक बार ट्राई करते हैं कि ताकि मैं अपना जिम शाम से हटा के मॉर्निंग में लेके आऊँ, ताकि मैं शाम को जो और काम है ना अपने वो करवाऊँ। वरना एक घंटा वहाँ जाके ना चलता है कि यार फिर मैं इतना टायर्ड रहता हूँ ऑफिस से आके, एंड देन आया इट्स लाइक यार बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है, और आराम कर लेते हैं। तो ट्राई कर रहा हूँ कि मॉर्निंग में ये चीज़ जाए, और उसके बाद जाके ही मैं कर पाऊँ। तो देखते हैं अब क्या होता है भाई। बाकी मैंने अपना जो बियर्ड है वो आज मॉर्निंग में ही ट्रिम करवाई थी, तो मैं जिम के लिए निकलता हूँ क्योंकि मुझे वरना बहुत देर हो जाएगी। एंड लाइट कर लेते हैं बंद, हम पूरे में डार्क अंधेरा हो चुका है। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द जिम। बट अलमारी देख लो बंद है नहीं है, ये बंद है, सब कुछ ओके है। और
करते हैं बंद, क्योंकि इतने सारे लोग एक ही रूम में रह रहे हैं, तो इसलिए अलमारी वलमारी का कुछ नहीं है इसमें।